हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि मैं पिछली बार आपके लिए वैकेंसी लेकर आई थी एसएससी फार्मासिस्ट, ठीक है, एसएससी फार्मासिस्ट 2022 जो वैकेंसी लेकर आई थी, आज मैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न लेकर आई हूँ, सिलेबस लेकर आई हूँ दोस्तों, ठीक है। क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, कितना टाइम मिलेगा आपको, कितने मार्क्स बैठेंगे आपके, ठीक है दोस्तों, आज मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं और आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं एसएससी फार्मासिस्ट नर्सिंग जॉब नर्सिंग क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस उन सब के नए अपडेट्स के लिए चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड एंड तक ज़रूर देखें। मैं वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ दोस्तों। वीडियो में देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना एग्जाम पैटर्न, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज, द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज विल बी गिवन एज बिलो। ओके दोस्तों, नीचे दे रखा है इन्होंने, मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। सबसे पहले लिखा है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस जिसमें आएंगे 25 क्वेश्चन आपके, ठीक है, 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस जीके 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि एक बेसिक एरिथमेटिक स्किल्स होंगे जिसको मैथमेटिक्स भी हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स आपके रखेंगे। एंड साथ में यहाँ पे बेसिक नॉलेज होगी इंग्लिश लैंग्वेज की जो जिसके क्वेश्चन 25 होंगे और 50 मार्क्स आपके बैठेंगे। और ओवरऑल आपको दोस्तों एक घंटे का टाइम मिलेगा इसमें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे तभी आप एक घंटे के अंदर इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेती हूँ नेगेटिव मार्किंग की। यहाँ पे देखिए दोस्तों दे रखा है नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के आपके मार्क्स कटेंगे दोस्तों 0.5, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत होगा आपका, एक क्वेश्चन गलत होगा 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से आपको एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा आपका, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगा आपका, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, यहाँ पे देखिए क्या क्या है जनरल इंटेलिजेंस में, नॉन वर्बल टाइप एंड वर्बल टाइप, ठीक है, नॉन वर्बल एंड वर्बल टाइप। टेस्ट में क्या होगा, सिमेंटिक एनालॉजी, सिम्बॉलिक ऑपरेशंस, ठीक है, एंड सिम्बॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी आएगी, स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है, यहाँ पे सिम्बॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल पैटर्न, ठीक है, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, ठीक है, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड बिल्डिंग, ठीक है, वर्ल्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपके जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे दिखा देते हैं जनरल अवेयरनेस दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेयरनेस आती हैं, ठीक है, जैसा कि जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं आपके, करंट इवेंट चल रहे हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, किसी भी स्टेट में, फॉरेन में, जितने भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेन टू हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च, इन सब पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होगा, एरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ठीक है, कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मैथ्स आएंगे इसमें, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले हो गए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्वायर रूट्स आ गए, एवरेजेस आ गए, इंटरेस्ट आ गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके पास। तो मैं नेक्स्ट दिखा देती हूँ आपको, नेक्स्ट में क्या है, जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश दे रखी है दोस्तों यहाँ पे, जनरल इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए, स्पॉट द एरर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, आपके पैसेज आ जाएंगे, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स करेक्शन, डिटेक्शन ऑफ मिस स्पेल्ड वर्ड्स, आपके ये सब क्वेश्चन बनेंगे, सफलिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस, ये सब क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश में बनते हैं दोस्तों। तो ये चार पार्ट आएंगे आपके एग्जाम में, ए बी सी डी जो भी मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है, ये रहे दोस्तों, मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको, ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है,
तो इस पे आप बहुत ध्यान देना शुरू कीजिए। एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम है दोस्तों, कभी भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी दोस्तों। पहले जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई करें, उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी करें दोस्तों। वीडियो आपकी अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।